रांची में एक ऐसा होटल है जहां 4 महीने में पुलिस 25 बार छापेमारी करती है। वो कौन सा होटल है और उस होटल से क्या कुछ मिलता है, यही सब जानने की कोशिश करेंगे होटल के मालिक अनिल चौरसिया से। अनिल चौरसिया मेरे साथ हैं। अनिल जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका एक होटल है कोकर में, होटल पार्क स्ट्रीट। इसमें पुलिस 4 महीने में 25 बार छापेमारी करती है। ये छापेमारी किस लिए होती है, वहाँ पुलिस को क्या मिलती है, बताएंगे जरा? हमारे होटल में 25 छापेमारी में हमारे यहाँ आज तक किसी प्रकार का कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली है। और आपत्तिजनक चीज नहीं मिलने के बाद भी बार बार रेड मार रहे हैं और थाना प्रभारी सदर द्वारा और उनके ड्राइवर हेमंत द्वारा महीना बांधने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हम लाइसेंसी होल्डर हैं, हम उत्पाद विभाग से लाइसेंस लेके अपना 12 रेस्टोरेंट चला रहे हैं और अपना आवासीय होटल चला रहे हैं, तो हम क्यों उसको महीना बांधे? हम कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं। और जब से एक प्रकलन हुई थी कि डीएसपी के रीडर और डीएसपी सदर संजीव बेसरा के द्वारा 1 लाख रुपया का डिमांड किया गया था और थाना प्रभारी 50,000 रुपया उनके एएसआई प्रभुवन के द्वारा के माध्यम से 50,000 रुपया FIR लिखने के वजह में दिया गया था, उसकी लिखित जानकारी मैंने बड़ी आरक्षी ने रांची के डीजीपी साहब को मैंने लिखित जानकारी दी थी। उसमें मैंने बड़े आरक्षी अधीक्षक को दिया था, नगर आरक्षी अधीक्षक को दिया था। उस आवेदन देने के बाद से डीएसपी साहब बहुत नाराज चल रहे हैं और वो मतलब चाहते हैं कि हमारा होटल बंद हो जाए यहाँ। इसलिए वो सदर थाना के साथ मिलकर और बिना फोर्स लिए सिविल ड्रेस में वो आते हैं अपने ड्राइवर के साथ में रात में, और सदर थाना प्रभारी और उनके ड्राइवर द्वारा आया कि यहाँ पे हमारे गेस्ट के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, तंग किया जाता है कि इनका गेस्ट आना छोड़ दे। जब गेस्ट आना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा होटल और बार बंद हो जाएगी। इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की और वहाँ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला, इंसाफ मिल पाया आपको? अभी तक तो इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन मैंने रांची के अभी के DGP साहब को भी मैंने लिखित आवेदन 6 तारीख को दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी और DGP साहब न्याय दिलाएंगे। आप जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ में, वो बहुत ही गंभीर आरोप है। इतना दावे के साथ आप कैसे आरोप लगा रहे हैं और क्या पुलिस महकमा अपने ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? अभी तक तो नहीं लग रहा है कि पुलिस महकमा बचाने की कोशिश कर रही है, क्या है कि पहले जो हम आवेदन दिए थे, हमारा 45 लाख रुपए का जो गबन हुआ था और उसमें जो थाना प्रभारी द्वारा 50,000 रुपये लिया गया था और उनके ASI प्रभुवन जी के द्वारा और DSP साहब के द्वारा सुपरविजन में 1 लाख रुपया मांगा गया था, वो नहीं देने पर DSP साहब को अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ऐसा लगता है कि पुलिस महकमा कहे की निगरानी में भी इस संबंध में मैंने लिया था, लेकिन सभी मिली जुली हैं और हमको उम्मीद नहीं लगता है इन लोग से कि हमको इंसाफ मिल पाएगा। और हमको लगता है कि इन लोग से लड़ने से अच्छा है कि इनके बारे में लिखा पढ़ी जितना ज़्यादा करेंगे उतना ये हमको किसी न किसी झूठे केस में फंसा के जेल भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम होटल बेच के झारखंड से झारखंड को छोड़ दें, झारखंड रहने लायक नहीं रहा, व्यवसाय करने लायक नहीं रहा, हम यहाँ से बहुत जल्द शिफ्ट कर जाएंगे दूसरे स्टेट में। ये अनिल चौरसिया जी एक होटल चलाते हैं, बार चलाते हैं और यहाँ के पुलिस प्रशासन से काफी नाराज हैं, निराश हैं और इंसाफ के लिए हर दरवाजे तक जा रहे हैं। अब इनका आगे का क्या स्टेप होगा, क्या कुछ करेंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि ये झारखंड में अपना धंधा पानी बंद करके दूसरे
कहीं जगह पे शिफ्ट होने की बात भी कर रहे हैं। हर अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।